सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आई होप आप सब अच्छे हैं, हम सब भी अच्छे हैं। सॉरी, मतलब इतने दिन बाद व्लॉग कर रहा हूँ, थोड़ा सा टाइम स्लिप कर गया। तो आ चुका हूँ एक एक्साइटिंग व्लॉग के साथ। आज है शादी मेरी नहीं, दीदी की भी नहीं, आज है हमारे घर के बगल में एक बुआ रहती है, उनकी शादी है। तो अभी दोपहर में हमारा इन्वाइटेड है वहाँ पे लंच के लिए, तो दीदी और मैं जा रहे हैं। अभी पापा तो थोड़ी देर बाद जाएंगे, मम्मी जा चुकी है क्योंकि लेडीज फंक्शन है, तो मम्मी पहले जाएगी। एक बार दीदी हाई कर दो सबको। हेलो। तो दीदी तैयार हो चुकी है, दीदी का फुल लुक देख सकते हो, मेरा फुल लुक भी आप देख सकते हो, जॉगर से नीचे और ऊपर में प्लेन व्हाइट टी शर्ट। तो ज्यादा कुछ हॉचपॉच नहीं किया मैंने, हॉचपॉच बंगाली वाले। तुम नीचे हल्का ग्रीन पहना है, हम ऊपर ग्रीन पहने, नीचे ऊपर। हाँ, तुम नीचे ट्राउजर क्या कहते हैं इसको? हाँ, ग्रीन ही है, देखो ग्रीन ऊपर ग्रीन नीचे। हाँ, और तुम नीचे व्हाइट जीन्स है, तुम्हारा व्हाइट टी शर्ट। अरे वाह। तो गाइस सबसे पहले जाते हैं लॉज में जहाँ पे वो फंक्शन है, वहाँ पे जाके सबसे पहले मम्मी से मिलवाते हैं और जिनकी शादी है उनसे ही मिलाते हैं। तो गाइस फिलहाल मैं और दीदी आ चुके हैं वापस, मतलब यहाँ पे वापस बोल रहा हूँ मैं लॉज में। और एक बार आप देख सकते हो यहाँ पे अभी भी तैयारियाँ हो रही हैं, मतलब अभी तैयारियाँ हो रही हैं यहाँ पे शाम की। यहाँ पे आप देख सकते हो डेकोरेशन फुल ऑन अभी, और वहाँ पे गेट पे भी। सो चलते हैं अंदर, मम्मी से मिलवाते हैं सबसे पहले। चश्मा खोल देता हूँ यार। और ये रहे छोटे अंकल, दादाजी वहाँ पे खाना खा रहे हैं, और ये छोटी आंटी कृष्णा और रितिका। खाना खाओ कृष्णा, हेलो बोलो। सो गाइस फिलहाल अभी हो चुका है हमारा पोपट, मम्मी निकल चुकी है, रास्ते में कहीं दिखी भी नहीं। और ये रही अन्नी, हेलो अन्नी। और ये रही आंटी, आंटी आप भी हाय बोल दीजिए। और दीदी इतनी भुक्कड़ है, मम्मी से मिले बिना खाना स्टार्ट कर रही है। सो गाइस अभी फिलहाल जा रहे हैं वापस घर, क्योंकि हमारा लंच हो गया। मैं अभी इस टाइम पे ज़्यादा लंबा नहीं कर रहा हूँ व्लॉग को, क्योंकि शाम को मजा आएगा, इंडियन वेडिंग में शाम को ही गाइस बहुत ज़्यादा मजा आता है। तो अभी जाते हैं घर, और घर जाते पहले मम्मी को मिलाते हैं, उसके बाद अब सीधा कंटिन्यू होगा शाम को व्लॉग। और मैं गाइस लेट से आने वाला हूँ शादी में, क्योंकि मुझे अभी जस्ट निकलना पड़ेगा, थोड़ी बाहर कुछ काम है। मम्मी पापा सभी जल्दी चल जाएंगे, मैं ही लेट से आऊँगा, बट कोई बात नहीं, वर्थ इट रहेगा, व्लॉग एंड तक देखें, मजा आने वाला है गाइस। तो सबसे पहले जाते हैं घर, बाय बाय। सो गाइस बजे रात के 8:30, और मैं वापस आ चुका हूँ घर, पापा ने कुछ काम से बाहर भेजा था। और आए आए क्या लग रही है दीदी और मम्मी, एक बार दिखाते मम्मी, एक बार हाथ तो हटाओ दिखाते हो। तो मम्मी और दीदी तो यहाँ बिजी है, दीदी की ड्रेस ठीक करने में। तो गाइस एक बार आप दीदी का ड्रेस देखो, कितना प्रेटी लग रहा है, वाह। दीदी का मेकअप उतर रहा है पसीने से। एक बार हाय बोलो मेरे व्यूअर्स को, हाय बोलो, लव यू ऑल, लव यू ऑल। हाँ ऐसे बोला जाता है। तो कैसे देख सकते हैं मैं कितना गंदा सा लग रहा हूँ, अभी जस्ट मैं आया, पापा ने बाहर भेजा था, 8:30 बच्चों के ऑलरेडी तैयार होते हैं। उसके बाद पहले दीदी को छोड़ के आऊंगा लॉज में, थोड़ा सा डेकोरेशन दिखा दूंगा। नहीं अभी नहीं दिखाऊंगा, जब मैं जाऊंगा तब दिखाऊंगा। तो बने रहे व्लॉग में एंड तक, देखें बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। सो गाइस फिलहाल आ चुके हैं घर, अच्छे से तैयार होते हैं, उसके बाद पापा भी आ चुके हैं, पापा से मिलवाऊंगा तैयार, सबसे पहले तैयार हो जाता हूँ, उसके बाद फाइनल लुक दिखाता हूँ। सो गाइस अभी फिलहाल मैं रेडी हो चुका हूँ, और पीछे स्ट्रेटनेस पड़ा हुआ, बाल अभी स्ट्रेट भी नहीं हुए, मतलब बहुत मतलब हड़बड़ी में मैं तैयार हूँ। पापा निकल चुके हैं, मतलब बाहर वेट कर रहे हैं, नहीं किया तो बहुत डांट पड़ेगी। दादी आप देख सकते हो पीछे, दादी नहीं जा रही क्योंकि दादी को तबियत थोड़ा तबियत ठीक नहीं लग रहा है। तो मैं जाता हूँ वहाँ पे, पहले पापा से मिलवाता हूँ, नहीं तो वहीं पे अब डायरेक्ट गाइस अब वहीं पे मिलेंगे वहाँ पे। अब एक बार फुल लुक गाइस मेरा देखो कैसा लग रहा हूँ, एक बार कमेंट करके जरूर बताना। एक बार वहाँ पे अब चलते हैं, और वहाँ पे अब अच्छे से शूट करते हैं। सो गाइस एक बार आप मेरा फुल लुक चेक करो, और इस वक्त में आप पहले पॉज करो वीडियो को, और एक बार कमेंट करके जरूर बताओ मैं कैसा लग रहा हूँ। क्रीम थोड़ी ज्यादा हो गई है गाइस, क्रीम हाँ फाउंडेशन लगाया था, कुछ तो लगाया था दीदी ने, दिया था बना के यार, पता नहीं थोड़ा वाइट लग रहा है स्किन, बट कोई बात नहीं, सही तो मैं लग रहा हूँ, मजा आ गया देख के। तो अब जाते हैं अब सीधा लॉज में, आपसे मम्मी को मिलवाएंगे और दीदी से मिलवाएंगे। तो गाइस फिलहाल आ चुके हैं वापस, मतलब वापस बोल रहा हूँ मैं अंदर लॉज के, और ये रहे पापा, हम दोनों ने सेम कपड़े पहने हैं। पापा एक बार हाई कर दीजिए, हाय। और ये रही मम्मी, और यहाँ मम्मी खाने बैठ चुकी है, प्लेट खा ली है, दादाजी खाना खा के हो भी गए, खाना खा हो गए। सो यहाँ पे आनंद अंकल, छोटी दादी, हेलो दादी, और ये आंटी आ रही, वहाँ आंटी आप तो बहुत मस्त लग रहे हैं। अन्नी भैया आइसक्रीम फ्री है क्या? तो मेरी स्माइल से भैया ने मुझे भी एक आइसक्रीम दे दी, मैंने बस बोला कि भैया आइसक्रीम फ्री, और एक आइसक्रीम मुझे भी फ्री में मिल गया, फ्री में ऑब्वियसली आइसक्रीम है, मजा कर। ये रही छोटी आंटी, चश्मा लगा के आई आज, कभी चश्मा नहीं लगाती है, कभी चश्मा नहीं लगाते हैं, कभी चश्मा खोलते ही नहीं। क्या आप चश्मा कभी नहीं लगाते हैं? तो और ये रही मम्मी, क्या यार मम्मी थोड़ा वेट करना चाहिए था, इतनी जल्दी खा ली, हम लोग को इंतजार करना चाहिए था तुम्हें, क्या मम्मी।
चलो चलो हाथ धोने दो। जब से यहाँ पे आया हूँ तब से दीदी मुझे नहीं दिखाई दी, पता नहीं क्यों। और ये रहे छोटे अंकल, हेलो। एक बुबलू, बुबलू मेरे पास भी आइसक्रीम देखो। एक्सक्यूज मी मैम, आपने मेरी दीदी को देखा है क्या? और मेकअप दीदी का धुलते हुए क्या? दुर्गा बुआ हेलो। और ये रही दुर्गा बुआ, और उससे ज्यादा सुंदर मेरी ज्योति बुआ लग रही है ना। ज्योति बुआ एक बार अपना अपना हेयर तो दिखा एक बार। अरे वाह, अगर बगल से कोई बदबू आ रहा है कोई फूलों से, कुछ भी नहीं आ रहा। तो ऐसे होते हैं कुछ लोग जो खाने खाने के आधे घंटे बाद सिर्फ आइसक्रीम का वेट करते हैं। तो यहाँ लेडीज की फोटो शूटिंग चालू है, मम्मी को भी की जानते हो। तुम लाइन में रहो, देखो ये लाइन बहुत लंबी है। लाइन में है, लाइन में है ना। और मम्मी क्या लग रही है, हाय मजा आ गया। और तुम्हारा भाई पीछे रोज कहाँ गया, तो टेढ़ा हो गया तुम्हारा रोज। अब गोरी गोरी दिख रही है लाइट। हम फोटो लो। ये अंकल का चश्मा पहन के फ्लेक्स कर रही है। सो गाइस मेरे सामने ही बारात है, एक बार आपको दिखाता हूँ। वो रही वहाँ पे गाना बजाना चल रहा है, तो एक बार चलते हैं वहाँ पे बारात का भी एक बार क्लोज लुक लेते हैं, देखते हैं। ज्यादा भीड़ तो मुझे लग नहीं रही है क्योंकि ऑलमोस्ट अभी बज रहे हैं 12। तो इंडियन वेडिंग में 12 तो कॉमन है गाइस बारात का। तो जाते हैं और एक बार बारात का एक बार आप व्यू चेक करो। तो यहाँ पे स्टार्ट हो गई थी कुछ रिचुअल्स, और यहाँ पे होते हैं बारात में, जब बारात खत्म हो जाती है तब दो तीन बंदे जिन्हें नाचने का बहुत ज्यादा शौक होता है, तो ये उन बंदों में से, और पता नहीं भैया मुंह में क्या ही रख के नाच रहे थे। और इंडियन वेडिंग्स में ऐसा कुछ होता है कि जब दूल्हा द्वार पे आ जाता है तो उसे जो लड़की वाले होते हैं उसे मतलब उसकी नज़र उतारते हैं और बाकी सब कुछ रिचुअल्स पूरा करते हैं, उसको एंटर करते हैं जब जयमाला या वरमाला के लिए। तो ये सब वो रिचुअल्स हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही खुश लग रहे हैं हमारे फूफा जी। और यहाँ अब बहस हो गई थी लड़कों वालों में और लड़कियों वालों में कि कौन उन फूफा जी को अंदर लेके आएगा, बट अब वो सॉर्ट हो गया है। यहाँ पे अब लड़की वाले ही लेके आते हैं, इसीलिए लड़की वाले विंस और यहाँ पे फूफा जी की एंट्री करवा। तो अभी चल रही है बुआ की फोटोशूट। पोज चेंज करो, पोज चेंज करो। सो अब वो मोमेंट आ चुका है जब बुआ फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम बारात के दिन फूफा जी से मिलेगी, और इसे दुल्हन के भाई लेके जाते हैं बारात के स्टेज तक। बारात के स्टेज तक नहीं, वरमाला के स्टेज तक। मैं अभी क्या ही बोल रहा हूँ, वरमाला के स्टेज तक भाई लेके जाते हैं। तो सबसे पहले खड़े हैं मेरे पापा और छोटे चाचा, क्योंकि बचपन से बुआ जितने भी वहाँ पे बुआ हैं वो सब ने मेरे पापा और अंकल को ही भाई माना है बचपन से ही। तो पापा और चाचा अपना ड्यूटी यहाँ पे निभाते हुए और वरमाला के स्टेज तक ले जाते हैं, और ये फूफा जी बहुत ज़्यादा खुश लग रहे हैं। और यहाँ बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक अंदाज में फूफा जी ने बुआ का हाथ पकड़ लिया और वो उन्हें स्टेज पे लेके आ रहे हैं। यार कितना मस्त सीन है ये, जल्दी से सबकी लाइफ में आए, मेरी भी लाइफ में आए, बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाऊँगा मैं स्पेशली। और दीदी सब सही है ना? अच्छा रस गाड़ दो।
तो गाइस यहाँ पे वरमाला हो चुकी है खत्म और दीदी घर चले हैं। चाउमीन बचा हुआ चाउमीन खाना है तुम्हें। वहाँ पे चाउमीन वाले सब समेट रहे अपना हिसाब किताब और इसे खाना है चाउमीन। सो गाइस मम्मी को फिर से वापस पहुंचाना पड़ेगा क्योंकि मम्मी आई थी, दीदी पीछे है, सब चेंज कर चुके हैं। दीदी तो नहीं जा रही है, मम्मी वापस जा रही है, सब आ चुके हैं घर। तो मम्मी को पहले मैं छोड़ के आता हूँ वापस से और फिर मैं आपसे घर में आके बात करूँ। सो गाइस वापस आ चुका हूँ घर, मम्मी को वापस से लॉज में वहाँ पे ड्रॉप करके आ चुका हूँ क्योंकि सारे रिचुअल्स तो अभी शादी तो बाकी था। तो आज मैं व्लॉग एंड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि एंड करूँगा कल सुबह जब विदाई होगी। मैं सोचा था कि रात में वहीं रुक जाऊँ कि विदाई 4 या 5 बजे तक हो जाती है यूजुअली, लेकिन उनका रिचुअल्स थोड़ा सा अलग है हमारे से। उनकी विदाई होती है घर में वही ऑलमोस्ट 9:30 या 10 बजे सुबह में। तो अभी इस ब्लॉग को मैं यहाँ एंड नहीं करूँगा, एंड करूँगा सुबह में। तो एज यू कैन सी रूम पूरा मैस पड़ा हुआ है मेरा क्योंकि हड़बड़ी में, और ये मैं दीदी का मेकअप किट यहीं पे है। अगर देख लिया ना आके तो बहुत मार पड़ेगी दीदी से क्योंकि मैं उसका रूम से लेके आ गया था। उसको ऐसी इसकी चीज़ें पूरा प्रॉपर उनकी जगह पे चाहिए। तो चलिए आज व्लॉग यहीं पे अभी इस वक्त यहीं पे एंड करते हैं। कल सुबह वापस से कंटिन्यू करूँगा, ड्रेस चेंज करता हूँ बहुत ज़्यादा ही। अब ये इतना हैवी है ना गाइस, तो थोड़ा सा सफोकेशन फील होता है। तो अब सुबह ही व्लॉग कंटिन्यू करेंगे। तो गाइस गुड मॉर्निंग, दिस इज द नेक्स्ट डे। अभी बज रहे सुबह के पौने 9। मम्मी ने सुबह सुबह आलमंड खिला दिया, आलमंड और पीनट्स को वो फुला के जो देती सुबह सुबह। सो अभी तो वैसा कोई प्रोग्राम है नहीं विदाई का घर के पास में, अगर जब विदाई होती है तो अब डायरेक्ट शूट करूँगा जब विदाई होगी तब। तो बने रहे विदाई भी, आप लोग देख ही लो रोना धोना कैसा होता है सबका। मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ बट एक बार आप देख लेना। सो गाइस सुबह सुबह मम्मी ने भेजा था अभी ब्रेड लेने के लिए और दीदी फ़ोन करती कि विदाई हो गई, लेट सी अगर जाते हैं घर देखते हैं विदाई हुई है कि नहीं, तो जाते हैं घर पहले। सो गाइस मैंने सोचा था कि विदाई मैं मिस कर दूंगा बट विदाई मिस नहीं, गाड़ी खड़ी है यहाँ पे और वो आ रही है। बुआ आपको शायद अंधेरा दिख नहीं रहा होगा, एक बार मैं थोड़ा सा वहाँ पे जूम इन करके थोड़ा ब्राइटनेस बढ़ाता हूँ। और वो कैमरामैन वाले भैया आ रहे हैं वहाँ से शूट करते, आप देख सकते हो वो रही वहाँ पे बुआ, वहाँ पे रोने धोने का फंक्शन चल रहा है। सॉरी इस तरह नहीं बोलना चाहिए मुझे, बहुत लोग ऑफेंड हो जाएंगे बट क्या ही करूँगा, ऐसी हंसी आती है। देखिए मत रो बुआ मत रो, स्टे स्ट्रांग भैया। कैमरामैन वाले उधर शूट करिए, मत रो बुआ मत रो प्लीज, have a great life ahead, have a great wedding life, happy journey। अब गाइस इसमें सबको चावल देना पड़ता है हाथों में, जब वो गाड़ी निकलेगी तो उसके पीछे से उसके ऊपर फेंकेंगे। शगुन माना जाता है कि इनकी जर्नी अच्छी हो, अब नई लाइफ इन लोगों की स्टार्ट होने वाली है एक साथ। तो जय श्री राम, जय। मजाक से हटके गाइस इंडियन विदाइज आर सो इमोशनल। मतलब सुमन दादा तो जो बुआ के पापा है वो अभी तक रो रहे हैं, मतलब बाप बेटी का रिश्ता था। मैं हंसी आ रही है बट मैं अंदर से क्या फील कर रहा समझ नहीं आ रहा। दादा जो है मतलब बुआ के जो पापा हैं वो बहुत ज़्यादा ही रो रहे हैं। हाँ तो मजाक से आती गई थी, हंसी मजाक वाली बातें तो बाद में होती रहेंगी बट विदाई बहुत इमोशनल होता है। क्यों दादी होता है ना इमोशनल? बहुत बेटी का जो विदाई होता है बहुत कठिन होता है। मेरी दादी फिर रोने लगी, मैं और नहीं शूट कर सकती, मेरी दादी फिर रोने लगी। अनगिनत दादी ने विदाई देखी ना दादी, रो रही और बात कर रही। देख सकते हैं आप सब गाइस,
कैमरा स्टार्ट होते ही दीदी स्टार्ट हो गई। सो गाइस अभी शाम हो रही है, मतलब अभी जस्ट सो के उठा हूँ, दोपहर में नींद आ गई थोड़ी सी। तो जैसे और निखिल सुबह से इतना रोया है, बुआ के गम में इतना रोया है कि बेचारे की आंखें देख सकते हैं। तो इसी के साथ आज का ब्लॉग मैं करता हूँ ये पेंट। आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आया, आई और आशा करता हूँ कि अब नए ब्लॉग आते रहेंगे क्योंकि एक मोमेंट होता है, कुछ दिन होता है जो आप थोड़ा ब्लॉग करने का मन नहीं होता क्योंकि कॉलेज स्टार्ट हो गया, बहुत हेडेक है गाइस। अभी मैं क्या ही बताने बैठूं तो रात हो जाएगी, बट अब से ब्लॉग्स आते हैं, अब से ब्लॉग्स आते रहेंगे। नहीं तुम बताओ, हम लोग रात तक देखेंगे। तो चलिए इसी साथ आज का ब्लॉग कर रहे हैं यहीं पे। आई होप आपको ब्लॉग पसंद आया हो। इंडियन वेडिंग्स, टिपिकल इंडियन वेडिंग्स, आपको विदाई देखने को मिली जैसे कि मैंने डाला था, वो बहुत इमोशनल होता है। चलिए मैं अभी इमोशनली बनाऊंगा। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें फ्रेंड्स फैमिली के साथ। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन गुड बाय।